Question number 52. A is 50% as efficient as B. C does half of the work done by A and B together. If C alone does the work in 40 days, then A, B, C together can do work in. A or B ka 1 day ka work ratio kya 50% as efficient. Yani ki 3:2 ho jayega. ठीक है. और A और B ka 1 day ka work 3 efficiency हो जाएगा 3:2 का. तो C का कितना हो जाएगा, C का क्या हो जाएगा, इन दोनों का जो मतलब 5. ठीक है, और 5 ये टोटल 5 हो जाएगा, इसका हाफ, इसका हाफ यानी कि 2, 5/2 जो है वो है C का. If C alone does the work in 40 days, अगर C alone 40 days में work करता है, तो ये क्या हो जाएगा, 40 into 5/2, यानी कि 2 से ये करेगा 20, यानी कि 100, ठीक है, 100 आ गया, 1 day का work, ठीक है, C का, C does the work in 40 days, तो 1 day का work कितना हो जाएगा, 100, तो A का 1 day का वर्क कितना हो जाएगा, A का 1 day का वर्क 3/100, ठीक है, A का. और B का कितना हो जाएगा, B का हो जाएगा 1/50 2/100, यानी कि 1/50. ठीक है, अब A, B, C टुगेदर तीनों को जोड़ देंगे, 100 ए बी सी तीनों का 1 day का वर्क जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/40 + 3/100 + 1/50, यानी कि 15/200. ठीक है, यानी कि ये हो जाएगा कितना, 3/40. और ए बी सी टुगेदर कैन डू, यानी कि 40/3, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 13/1/3 डेज. ठीक है, यहाँ पे अगर देंगे सी का 1 day का वर्क, तो ये हो जाएगा 5/2. ठीक है, और यहाँ पे कैलकुलेशन करनी है थोड़ी सी, ये चीज़ यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ. यहाँ पे ये कर देना 5x/2 = 1/40, यानी कि जो x की वैल्यू आएगी ना वो होगी ये 100, वो होगी ये x = 1/100. ठीक है, तो हमारे पास ऑप्शन क्या रहते हैं, वैसे ही ऑप्शन ए, ये हमारा आंसर सही होगा.